ये क्या ट्रेजिडी हो गई, हटाना ही पड़ता जनता को दिखाए। अरे भाई ताला लगा हुआ है। अरे काली भाई ये क्या कर दिया हमारे साथ पंगा। मजाक मजाक मत करो, माँ है ना बच्चों के साथ मजाक कर रही है ना। मेरी मम्मी है ना कोई बढ़िया बढ़िया चीज़ें होती थी ना उसको छुपा देती थी, ऐसे काली माई भी हमारे साथ मजाक कर रही है। हम इतनी दूर चढ़ के आए और गेट पे लॉक लगा दिया, गेट तक आने दिया, तो गेट पर आने दिया। ये बात भी सही है। पॉजिटिव, वाह शिवू तू यार क्या पॉजिटिव सोचता है यार। ये तो शिव ने बोला, दोबारा बोलते तेरे मुँह से यार। अगर काली मैया चाहती तो नीचे ही रोक देती, कम से कम गेट तक तो बुलाया ना। हाँ ओके चलो बोलो मैया रानी की। ये देखो क्या मस्त दिव्य झंडा लहरा रहा है, ये देखो मंत्रों के फ्लैग, ये खूब सारे मंत्र लिखे होते हैं जैसे हवा में लहराते हैं, तो ये जो वातावरण उसमें बिल्कुल शांति समृद्धि खुशियाँ ये फैलाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ देखो क्या मस्त लहरा रहे, दिव्य आनंद। थोड़ा उधर से लेता हूँ शॉट, आपको और अच्छा लिखेगा, आवाज़ भी आ रही होगी आप लोगों को। सामने देखो बर्फ वाले पहाड़ है। हम जिस रास्ते से आए हैं मूर्ख कैसे बन गए, इधर आना पड़ता इतनी दूर, वहीं की वहीं आ गए दो मिनट में। अरे मज़ा आया उसका अलग, कि इधर सीढ़ियाँ भी है पीछे की तरफ से है ना, सीढ़ियाँ बनी हुई है। और ये मैया का मंदिर दिव्य, हे माँ लक्ष्मी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। मज़ा आ गया माता जी आपके दर्शन, मंदिर के दर्शन करके आपके दर्शन हो जाए तो और आनंद आ जाए। देखते हैं थोड़ी देर, शिव गया है कोई पंडित जी का घर वगैरह हो देखने के लिए। ये देखो ऊपर और कोई पैलेस जैसा लग रहा है, क्या पता नहीं है। झंडे ले रहा है दिव्य आनंद। यहाँ पर 20 रुपये की टिकट है, लेकिन अब हमारे पास तो है नहीं 20 रुपये, हम तो ऐसे मस्ती मस्ती में आ गए। अब मैया का मंदिर आ जाइए, मैया मज़े ले रही है हमारे। ओहो माता जी हरे कृष्ण। हैं नीचे हम यूँ इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ मैया यहाँ बैठी है। हे माँ जी, माँ की जो मैया की जो, हे माँ तीमो तीमो बोलते हैं अब महालक्ष्मी होगी। लोग देखो माता जी के हाथ में ही पैसे पकड़ा दिए, ये देखो इनको पैसे क्या है? मंदिर के मेंटेनेंस के लिए चढ़ाओ सामान से। हाथ में देखो एक तीर कमान भी है, ये देखो हे वो 1 2 3 4 5 6 7 अष्टभुजा अष्टभुजाधारी है। माँ की जो मैया की जो दूर चल के आए हम इतनी दूर चल के आए तो हमारी सांस फूल गई, गला सूख रहा है, लेकिन यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। देखते हैं मैया रानी कोई व्यवस्था कराएगी। तो मंदिर बहुत प्यारा है, मैया जी के दर्शन मैंने आपको कराई दिए। ये हमारे साथ सोम सर बैठे हुए हैं, ये शिव जी महाराज इधर है ना। शिव जी सबसे पहले पहुँचने वालों में से हैं माउंट एवरेस्ट की चोटी में, मतलब यहाँ तक, और हम थोड़ी लेट आए। सोम थोड़ा कर्टियस बच्चा है, व्यवहारिक बच्चा है, तो मेरा ध्यान रख रहा था कि कहीं बूढ़ा लटक नहीं जाए, तो मेरे पास बैठा था। आप हमको घुमाने लेकर आए तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है आपको कंपनी देने की। गुड, ये जो समझदार बच्चा, अब इसका तो मैं बाप हूँ, इसको ये पता है कि क्या कर लेगा, मेरा पूरी प्रॉपर्टी मेरे को ही दे के जाएगा कहीं जाने वाला कल, तो इसको फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। तो ये हालांकि ये क्या अपने दादाजी पे गया, मेरे जो पापा है ना वो भी ऐसे कहीं भी जाएंगे ना फास्ट चलते हैं और अपना फटाफट पहुँच जाते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट इसने कॉपी किया है। ये पूरे पैलेस में या प्रांगण में कली करी हुई है, कली की वजह से बिल्कुल सफ़ेद दिखता है। शांति देखो क्या मस्त शांति, ये शिव प्रभु, ये सोम प्रभु, जूते पहन रहे हैं, ये निकंज प्रभु। मेरा नाम निकंज प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता रानी की जय हो, माता रानी के दर्शन कराने के लिए माता रानी का धन्यवाद, जिन्होंने ऐसा कुछ आइडिया लगाया कि हम ले पहले से आए थे और हमको अपने दरवाजे तक बुलाया। थैंक यू माता जी, आई लव यू। थोड़ा सा हल्का सा मजाक किया माता रानी ने, नीचे दरवाजे में ताला लगा के कन्फ्यूज़ करा हमको।
ओहो इधर को हट, स्वयं पीछे आया यार, कैमरा के सामने आ रहा फ्रेम। ये देखो यार दिव्य दर्शन तो सही में भाई साहब। हरे कृष्णा, ये है असली लद्दाख। ये देखो बैल्कोनी मंदिर के प्रांगण की, ये पीछे देखो, ये देखो लुक, ये देखो भाई साहब क्या मस्त, मजा आ गया। बोलो गोविंद की जय, माता रानी की जय। माता रानी ने बुलाया उसके लिए धन्यवाद। ये देखो पूरी परिक्रमा स्थल, एक परिक्रमा लगा के हम आए हैं। अरे वाह, हम वापस नीचे उतर रहे हैं। मेरे पीछे पीछे सोहम है, शिव आगे चला गया है। दीदी यहाँ बैठी हुई है, 20 रुपए ले रही है हर आदमी से जो जा रहे हैं उनको, और पानी के लिए भी नहीं पूछा उनको। बोला मिलो सर, आप दीदी आपको 1.5 रुपए 20 रुपए की टिकट है इस मंदिर में आने की। और अब हम शिव जी आ जाओ नीचे, अब हमें वापस उसी रास्ते से नीचे जाना है, वहाँ पे निहारिका जी इंतजार कर रही है हमारा। हरे कृष्ण, यहाँ भी कोई पूजा स्थल है, दीपक जल रहे। अच्छा फिर भी काली मैया का रूप है, काली माता का मूर्ति है, एक बजरा का मूर्ति है। अच्छा, और बहुत सारे मूर्तियां है। अच्छा, आप ऐसा कीजिए कल रहना तो कल सुबह आ जाइए। अच्छा ठीक है, सुबह यहाँ का मंदिर खुलता है, पूजा पाठ होता है। जी 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 हाँ। और जो नीचे जो मंदिर है जिसमें ताला लगा हुआ, वो ये क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ दीपक जलाने का ड्यूटी आप? नहीं नहीं नहीं, तो मैं खुद दर्शन करने की। अच्छा आप खुद भी दर्शन करने आए? जी जी। अच्छा ठीक है, ठीक जी हाँ। नमस्कार सर। तो अभी एक भाई साहब मिले हमको जो तेल डाल रहे थे ना वहाँ पे, उन्होंने बताया कि ये काली जी का मंदिर है, ये सुबह सुबह ही खुलता है बस, है ना। और पीछे कौन छींक रहा है? हुई छींकिंग? ओके। सो आगे है ना ये जो मंदिर है उसका नीचे एक हेडक्वार्टर है तुर्गुन करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, लेकिन चूंकि टूरिस्ट घूमने फिरने आते हैं तो कुछ लोग नहीं जाते हैं, कुछ लोग तो क्या कोई भी नहीं जाता। यहाँ भी बहुत कम लोग आए हैं मेरे हिसाब से, बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों में सोहम कंथारिया जी और रुद्रेश्वर शिव पारिक और उनके पिताजी निकंज पारिक है। भयंकर जोर से प्यास लग गई तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अभी भैया हमको पानी पिला रहे हैं, ये देखो भैया का फेस, ये काम चल रहा है। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। अंग्रेजी आती है इसको? अंग्रेजी में बोला। भैया ये देखो पुराना पार्ट थोड़ा टूट गया है ना, खंडर सा दिख रहा है, झंडे खूब सारे बंधे हुए। अब हम वापस उसी रास्ते से नीचे जा रहे हैं। सीढ़ी का एरिया कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ से हमारा एडवेंचर चालू हो रहा है, ट्रैकिंग यूं करके वहाँ जाएंगे। ठीक है चलते हैं फिर, जनता आ जाओ, शिव जी आ गए हैं। हाउ इज द जोश? हाय सर। हाउ इज द जोश? हाय सर। ब्रेक लगा लगा के आना है ना सोम, ब्रेक लगा लगा के आना। एक जगह पे फॉर्मली पॉम्प टिक जाए तो दूसरा रखना, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे। अरे बॉय, बाइट आ गया भाई। हैं
क्या आ गया? अब सही रास्ता आ गया है, यहाँ से वहाँ तक हमारे को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ से यहाँ आने में हमारे थोड़ी शिवजी अपने जूते का विशेष प्यार दिखाते हुए उसको साफ़ करते हुए मैं शिवजी को राय दूंगा कि होटल जब पहुँच के या नीचे पहुँच के उसको दोनों जूतों को आपस में मारेंगे ना, अपने आप साफ़ हो जाएगा। हवा तेज़ चल रही है, बच्चे पीछे एडवेंचर कर रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक में हमें कोई बहुत ज़्यादा असुविधा की अनुभूति नहीं हो रही है, ये रीज़नेबल सा लग रहा है। इस चीज़ से एक चीज़ सीखने को मिली कि जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना तब वो डिफ़िकल्ट या ख़तरनाक दिख सकता है, और फिर आप करते जाओगे एक एक कदम बढ़ाते जाओगे तो काली माई या जो भी सुप्रीम अथॉरिटी है वो आपकी मदद करती रहेगी। तो सोहम कंथारिया जी हमारे सबसे लास्ट में हो गए, उसकी मम्मी को ये वीडियो दिखा दिया जाएगा अगर कि उसको एकदम अकेला छोड़ दिया गया लास्ट में, तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी कि नहीं होगी। और ये मेरे पुत्र रत्न साहब आ गए, कान में उनकी हवा लग रही है इसलिए उन्होंने कान में रुमाल लगा दिया, मेरे भी हवा लग रही है, मैं भी लगा लेता हूँ। बहुत ही ज़्यादा कोई क्रांतिकारी बंदा हुआ तो इधर से जा सकता है। आप बोलना चाहेंगे इस पूरे एक्सपीडिशन या एडवेंचर के लिए? क्या कोमा में चले गए? चल चल चल, दिल्ली अब दूर नहीं है, दिल्ली अभी चालू हुआ है, अभी वी आर ऑन आवर वे टू दिल्ली, वी जस्ट स्टार्टेड। अब ये वापस हम थोड़ा सा क्रांतिकारी स्पॉट पे शायद आए, नहीं आए, नॉर्मल है, कोई खास बात नहीं है। सारे तरफ कैमरा मूव करके दिखा रहा हूँ आपको। सोम सर कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया। ये शिवजी महाराज आगे, तेज हवा चल रही है, फुर फुर करती हुई, कोई और ज्यादा क्रांतिकारी आदमी हो तो इधर से जा सकता है। जा सकता है, हाँ बहुत ही आसान है, तू चला जा इधर। खड़े हो जाओ फिर वो कैच करने के लिए। जो तेरे दो पाव है ना पीछे, तुझे खूब सारी खर्चे लग जाएगी। मम्मी गिरा धड़ी में, ढूंगी में लगी पकड़, ये क्या लगी, थोड़ी सी लगेगी यार, गिरेगा वो आदमी तो लगेगी नहीं। चल चल, मैं बोल रहा था इसलिए दो तरफ कोई बात नहीं, चल चल चल, जो होना था सैंपल तो होना चाहिए ना, थोड़ा सा ढूंग पटूड़ी हो गई। ध्यान रख तू गिर मत जाना, सोम ध्यान रखना बेटा, गिर सोम गिर मत जाना यार। देख फिसला शिवू, धीरे बेटा, इधर से जा, लंबे रास्ते से, लॉन्ग रूट से जा। देख उतरते समय क्या सिंपल लगता है लेकिन गिरेगा ना, मेरी मैं जैसे गिरा वैसे गिरेगा, स्लोली स्लोली स्लोली, एकदम स्लो, 40 की स्पीड में, जैसे मैं कल गाड़ी चला रहा था ना वैसे। 40 की स्पीड में यहाँ से उड़ते हुए जाएगी, मतलब मेरा कहना मतलब गाड़ी के हिसाब से यार। तू तो यार तूने क्या यार लिटरली ले लिया 40 की स्पीड को, 40 की स्पीड मतलब जैसे कल लोग 100 की में 80 की में उड़ा रहे थे ना, ओ माँ। ये क्या मिट्टी है ना नीचे दरदरी, वो फिसल रही है, तू देखना भाई। भाई मैं देख लूंगा, मेरे भाई जूतों की दिक्कत आ रही है, वो जूते की वजह, मैं भी जूते की वजह से फिसल रहा हूँ। क्या चीज 30 साल तक याद रही है आप लोगों को? इस ये एक्सपीरियंस, गिरने का एक्सपीरियंस, गिरने का भी। ये जो हमको ये पंगा लेने के लिए जिन्होंने इंस्पायर किया, इनका वीडियो देख लीजिए, ये इन्होंने हमको फंसाया यहाँ पे जाने के लिए, हम सही सलामत आ गए, मरे भी नहीं।
आप लोग बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, होशियार होशियार क्या है, हमारी जान निकल के ऊपर पहुँचते बोलते तो मेरे ऊपर जाते जाते मेरे को मेरी मम्मी याद आ गई। भगवान जी देखेगा आपको, इतना मजा आ गया ऊपर जाने में। हाँ मेरे को मेरी माँ है ना याद आ गई ऊपर जाते जाते लगा। हाँ हाँ देख के जाना चाहिए बिल्कुल, आपने बता दिया तो मैं चला गया। ठीक है थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। झूले झूले बोलते हैं ना झूले। तो मैंने वहीं पे अब गिरने वाले तब भी मैंने बोला कि है ना वीडियो में जितना दिमाग लगा रहा हूं वीडियो बना रहा हूं थोड़ा कंटेंट छोड़ दो मेरे सबसे, लोगों को आगे खुद भी तो एंजॉय करने दो। हां तो बताएंगे नहीं तो कैसे एंजॉय करेंगे, वीडियो बनाने देते नहीं है, लोगों को कैसे पता चलेगा इतना अच्छा पहले से। अपन ने बता दिया ना कि ठीक है शौकीन, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से मिलते हुए हाथ मिला भाई तेरे दोस्त। सेकंड ये वाला हाथ कर, लेफ्ट लेफ्ट वाला कर दे भाई, लेफ्ट वाला हाथ कर, ओए कर दे यार कर दे भाई प्लीज। अरे भाई वो बोला कुछ खाने को दे मांगते, ये देख दे रहा वो कर दे। हां कुछ खाने को दे उसको कुछ दे। वो है ना वो ये है ना जेलस फील कर रहा है, हैं इसोदर मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा इस पे। इधर ये सुंदर लोगों का यही है देख, जो सुंदर होता है उनको सब सम्मान देते। थोड़ा भगवान ने सुगला क्या बनाया, खत्म काम हैं। ओ भाई साहब नाम क्या आपका, बहु बहु कर दे वो समझ जाए। इनका नाम क्या, ओए नाम क्या इनका, नाम क्या बताओ, तू बता तुम्हारा रिश्तेदार है रेंज में नहीं आ रहा साहब। अरे पूरा आ रहे हो यार सारा टुका टुके। आप लोग भी थकते हो क्या, कैमरा में ले रहे हैं, हमको लगा हम ही थकते हैं। हम भी थकते हैं यहाँ का लोहा चोरी हो गया, कोई ले गया कि कोई पुराना एबंडेंड हाउस। हम वापस जा रहे हैं अब तेजी तेजी, ढलान है, ढलान होने के कारण हमारी स्पीड बढ़ती ही बढ़ती जा सकती है 40 किलोमीटर करते हुए। यह हम आ गए ग्राउंड लेवल पे।